हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं पूजा। आज मैं आपको बहुत अच्छे एक ऐसे जेल के बारे में बताऊंगी जिससे ना आप अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके बालों की ना प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। जिन लोगों को दिक्कत होती है डाई लगाने में, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तेल पसंद नहीं होता, उन सबकी समस्याओं का समाधान ये है कि जो आज मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, बस आप उसे रेगुलर यूज़ करेंगे और बहुत ईजी है उसे बनाना। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने अभी अपने बालों में उसे लगाया हुआ है। आप उसे लगाकर किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, जैसे मैंने लगा हुआ है तो मेरे बालों में शाइन तो आ ही रही है, और दूसरा मेरे बालों को लग रहा है कि जैसे मैंने कलर किया हुआ है, तो उससे धीरे धीरे आपके बालों में कलर आना शुरू हो जाएगा जब उसे आप रेगुलर यूज़ करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से बनाएं, उसी तरीके से लगाएं, क्योंकि फिर बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा, ये तो फेक वीडियो है। तो क्योंकि जो चीज़ें मैं खुद यूज़ कर रही हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। तो आज का जो मैं आपको जेल बता रही हूँ वो बहुत अच्छा है, उसे लगाकर आप कहीं भी जा सकते हैं। आप उसको अगर दिक्कत होती है, आप सोचते हैं कि कहीं लगाकर जाना बहुत मुश्किल है, तो आप उसे रात को अपने बालों में लगाकर छोड़ दीजिएगा। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही 100% रिजल्ट है उसका। बिना डाई के, बिना तेल के आप अपने बालों को काला बना सकते हैं, और ना ही इसमें कोई मैंने केमिकल यूज़ किया है, बहुत ही हर्बल और बहुत ही नेचुरल है। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाना, और हर एज वालों के लिए बहुत ही सेफ है। इसे किसी भी उम्र वाले, जैसे बहुत मैं देखती हूँ छोटे बच्चों के भी बाल वाइट हो जाते हैं, जैसे 15-18, तो वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत कम एज वाले भी, और जो थोड़ा 35-30 एज होती है उस वाले एज वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी एज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा एज ज़्यादा हो जाती है तो उसमें बालों में डाई लगाना, बार बार तेल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो उसे हर एज वाले यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, हर तरह के बालों के लिए, क्या चाहे ऑयली बाल हो, चाहे ड्राई हेयर हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा रफ हेयर हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात और मैं बता देती हूँ, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रफ बालों में तो इतना अच्छा वर्क करेगा वो। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा जैसे कलर करने के बाद डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके बालों की जो टेक्स्चर ख़राब हो जाता है उसे भी चेंज कर देगा, बिल्कुल सॉफ्ट बना देगा, शाइनी बना देगा। और रेगुलर यूज़ करने से जैसे जैसे आपके बाल अगर हार्ड हैं और बालों में कोई प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे दूर होती रहेगी और नेचुरल तरीके से बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। बस आप उसे बनाइएगा ध्यान से और लगाइएगा। और एवरीवन, ये तो मेरी वीडियो की बात है, और मैं आपको एक प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। मेरा नेक्स्ट जो दूसरा मैंने चैनल बनाया है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही अच्छा टिकटॉक टाइप बहुत ही अच्छा है, उसमें भी जो मैं आपको बता रही हूँ वो डेली रूटीन में अपना थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगी उसमें। तो आप उसे भी देखिएगा, उसे भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर करना ना भूले। और मैं आपको इस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि उसका चार्ज लगेगा, तो उसका कोई चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ आपको रेड सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करना है, उसके साथ नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की, और आज की वीडियो में मैं आपको जो बता रही हूँ उसे आप लगाकर अपने बालों को नेचुरली बिना डाई के, बिना तेल के काला बना सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका बालों में। जिन लोगों को डाई से प्रॉब्लम होती है वो इसे लगा लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनके बाल काले होंगे और जल्दी आपके बालों में इसका फर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो उसे कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या सामान, चलिए शुरू करते हैं उसे बनाना। इसके लिए हम एक छोटा बर्तन लेंगे, आपको जो भी आपको, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई, आप लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। और इसमें हम एक कप पानी डालेंगे, ये देखिए, इसमें हम एक कप पानी डालेंगे और गैस को थोड़ा तेज़ कर देंगे जिससे कि ये पानी जल्दी गर्म हो जाए और इसमें हम अपनी दूसरी हर्ब डाल सकें। तो इस पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब उसमें हम क्या सामान डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, अनार के जो छिलके होते हैं, अनार के जो छिलके होते हैं ना, ये उसका पाउडर है। ये बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसका कलर बहुत जल्दी बालों में आता है, जल्दी से उतरता नहीं है। तो इसमें मैं ये 1.5 चम्मच अनार के जो छिलके हैं उसका पाउडर लूँगी, और इसमें मैं 1 चम्मच आंवला शिकाकाई, दोनों का पाउडर है ये मिक्स, तो उन दोनों का पाउडर लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच अनार के छिलकों का पाउडर लिया है और 1 चम्मच इसमें मैंने आंवला और शिकाकाई दोनों चीज़ों का पाउडर लिया है। अब इसे हम कम गैस में थोड़ा सा पकाएंगे, जब तक कि ये सब चीज़ें अपना अच्छे से इसमें कलर नहीं छोड़ देते, तो और एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा इसमें, ये अच्छे से पक जाएंगे। तो इसे हम इतना पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता है, और जब इसमें उबाल आ जाएगा ये बहुत ही ब्लैक हो जाएगा
और इसका रिजल्ट बालों में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत बार देखती हूँ बहुत लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, वो डाई नहीं लगा पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये जो आज मैं आपको जेल बता रही हूँ। इसे लगाकर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला बना सकते हैं और बिना झंझट, क्योंकि जैसे आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा अभी और अभी बरसात चल रही है, तो इसमें बालों में जो पसीना आता है उसकी वजह से बाल बहुत जल्दी जल्दी वाइट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इसे लगाकर आप अपने बालों को काला बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए इसमें बाल आना शुरू हो गया है और इसने अपना कलर भी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए ये ब्लैक हो चुका है और अभी हल्का सा और पकाएंगे इसे, जब तक कि ये पूरी जितनी भी इसमें हर्ब है वो अच्छे से अपना अर्क नहीं छोड़ देती इसमें। देखिए इस तरीके से हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है ये। और हम थोड़ा गैस को तेज कर देंगे और इसमें हम डालेंगे अलसी के बीज, क्योंकि अलसी के बीज बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों को बहुत जल्दी काला बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 13 होता है जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से हम इसमें ये डाल देंगे 1 चम्मच अलसी के बीज और इसे अभी हम जब तक अलसी के बीज अपना पूरा जेल फॉर्म में नहीं आ जाते हैं तब तक हम इसे पकाएंगे। और ये पानी थोड़ा और कम हो जाएगा तो इसे हम गैस को कम कर देंगे और इसे ऐसे ही पकने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। और ये देखिए काफ़ी हद तक पक चुका है, ये थोड़ा कम भी हो गया है क्योंकि इसे इतना पकाना था कि ये जेल फॉर्म में अच्छे से आ जाए। और अभी हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे छानेंगे। तो देखिए इसे इस तरीके से थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे गैस को और ऐसे चलाते रहेंगे और मैं गैस कर दूंगी बंद और अभी हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि जब ये थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो एकदम जेल फॉर्म में आ जाएगा ये। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और ये देखिए थोड़ा थोड़ा जेल बनना शुरू हो गया इसमें। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बनाकर बताया है, आप इसे ज़्यादा बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर बाद लगाने से, थोड़ी देर पहले आप इसे बाहर निकाल कर रख दीजिएगा फ्रिज से, उसके बाद आप इसे आराम से बालों में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बालों में लगाने में और बहुत जल्दी कलर आता है इसका बालों में। ये देखिए थोड़ा जेल फॉर्म में होना शुरू हो गया है और थोड़ा थोड़ा सा और ठंडा हो जाइए, उसके बाद हम इसे छानेंगे, इसे चलाते रहेंगे ऐसे ही जिससे कि ठंडा हो जाए जल्दी। देखिए इस तरीके से और ये देखिए ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है जितनी हमें जरूरत है, क्योंकि अगर हम इसे और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये छनना मुश्किल हो जाएगा। और अब हम इसे छान लेंगे, इस तरीके से हम इसे छान लेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ ये इसका कलर कितना ब्लैक हो गया है छनने के बाद, तो और भी अच्छा हो जाएगा ये, क्योंकि इसका पूरा जेल एकदम तैयार है बालों में लगाने के लिए, पर थोड़ा सा ठंडा होने की देर है, और अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो बालों में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। और इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसे कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, रात को लगाकर भी इसे हम सो सकते हैं। और इसे अभी ऐसे ही छानेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से, इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे कि अलसी का जो जेल है ना पूरा निकल जाए वो इसमें, ऐसे धीरे धीरे। और ये देखिए हमारा जेल बिल्कुल बनके तैयार है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही ब्लैक और बहुत ही थिक बना है ये। तो बस इसे लगाना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ, आप जब भी आप शैम्पू करते हैं उससे पहले आप इसे बालों में लगाकर छोड़ दीजिएगा अच्छे से, जैसे ऑयलिंग करते हैं हम ऐसे बालों में मसाज करते हैं ऑयल की, उसी तरीके से आप इसे बालों में लगा लीजिएगा और इसे आधा घंटा पहले छोड़ दीजिएगा बालों में लगाकर। आप चाहे तो इसे रात को भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है तो आप इसे लगाएंगे तो बिल्कुल सूख जाएगा बालों में जेल का, तो पता भी नहीं चलेगा। तो आप इसे रात को भी इसे आप अपने पूरे बालों में लगाकर सो सकते हैं, आप शैम्पू से आधा 1 घंटा पहले भी इसे बालों में लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट के लिए आप इसे रात को लगाएं तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं इसे जब भी मुझे लगता है तो मैं इसे रात को लगाती हूँ। तो इसके आपके बालों के लिए फ़ायदे कितने वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो डाई नहीं लगा सकते उनके बाल काले होंगे, दूसरा ये बालों को झड़ने से बचाएगा, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे झड़ रहे उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने स्ट्रेटनिंग कराई है उनके बाल बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं बहुत रफ हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये, हर तरीके से बालों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के 2 मुँह के बाल हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, सिर से बालों को काला बनाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके, बहुत सारे फायदे हैं बालों में। तो आप इसे बनाइएगा यूज़ कीजिएगा, कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेनिफिट के लिए आप इसे अच्छे से मैं आपको एक बार और सजेस्ट करूंगी कि आप इसे रात को ही लगाएं तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका आपके बालों में। तो आप इसे बनाइएगा यूज़ कीजिएगा, कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।